सेमीफाइनल मुकाबले की पहली रेड आ गई है अंकुश बबैल के द्वारा। नोट करो जी, अंकुश बबैल। सामने चाहे बन्नी हो और चाहे राकेश हो और चाहे सिलो बलारा का छोटा भाई हो, ये है राकेश ने डेढ़ पॉइंट की कैच लगाई। मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया कैच। अंकुश को शायद इस मैच की शायद कह सकता हूं पहली कैच हो। चलेगा विकास कुमार। विकास कुमार पानी पानी अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था करा दो जी। अच्छा जी भाई अलाउंसमेंट चल रही है भूरा लुवाई की। ये कहती है भाई बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है, एक काम होना है आज, या तो भूरा लुवाई का गरु जड़ेगा और या फिर खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने ये कहा है अगर मास्टर की टीम इस मैच में जीती 11 11 तोले की चांदी की चेन सारे प्लेयर ने परा होगा। ताड़ी मारो वह भूरा लुवाई के लिए। ये देख लो अगर यहां मास्टर की टीम जीती तो भूरा लुवाई का गरु जाड़ना है कि नहीं, अब आपको सोचना है। उसने तो अनाउंसमेंट करा दी। चलेगा बिंदी बलारा बिंदे। अंकुर 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 एक ही गांव के दो शानदार खिलाड़ी, टक्कर असली होगी। बहुत बढ़िया टक्कर और उसके बाद बिंदे बलारा सफल भी हुआ है। ये पता नहीं मैच किस करवट बैठ जाएगा, ये कहना अभी तक बिल्कुल नाइंसाफी होगी खिलाड़ियों के साथ। सिल्लू का भाई मनीष जितनी कैच लगाएगा उसकी तो सारी उम्र की जलेबी है, कितनी खा सकता भूरा लुवाई के पास जो दो नंबर की पोजीशन पर खड़ा है। यह पॉइंट मिलेगा अंकुश को। पानीपत की तीन लड़ाई हुई लेकिन आज कोई तीर तोप तलवार की लड़ाई नहीं, आज कबड्डी की लड़ाई है, 1 लाख रुपए की लड़ाई है, उसके साथ साथ तकनीक और भाईचारे की लड़ाई है। अब लड़ाई देखते किसके पक्ष में जाती है। सांडी एंड प्रवेश, सांडी एंड प्रवेश, जोर का झटका। बढ़िया रेड, बढ़िया रेड, बढ़िया पॉइंट। रनिंग द बिटवीन, अच्छी रनिंग की है। आपके अपने मुख्य अतिथि भावी सरपंच नरेश कुमार और रिपु दमन और बंटी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से और खेल कमेटी की तरफ से बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मास्टर पहलवान की टीम अगर इस मैच में जीती तो जसवीर जी राठी गांव गढ़वाली खेड़ा नेक्स्ट टूर्नामेंट में 11,000 रुपए से मान सम्मान होगा। नोटो जी काफी पैसे लगे हैं इस मैच पे, दाव काफी लगया है, टीम दोनों बिल्कुल बराबर की है। अब अच्छा कौन सा खेलता है वो बात होगी, अच्छा जो खेलेगा वही जीतेगा। दोनों टीमों में जरा सी भी कमी नहीं है, सारी तकनीक अपनाएंगे, पावर भी है, स्ट्रेटेजी भी है, प्लान भी है, तकनीक भी है, दिमाग भी है और साथ के साथ मोटिवेट जो भाई करते हैं साथ के साथ उनका दिमाग भी चलेगा। अंकुश बबैल वाला तकड़ा मुकाबला अंकुश। आहा हा, जोर का झटका धीरे से लगा, पॉइंट मिला पानीपत वाले को। भूरा लुवाई का हार्ट अटैक हो जाएगा, स्कोर बता दिया दो। बिंदे एंड प्रवेश, फिलहाल स्कोर है 8.5 और 2। 8.5 मास्टर बहू, 2 फौजी बहू। मैच है 19:30। 5 मिनट रुक जा फिर पीऊंगा, बस यू मैच लग रहा है मोहन बाबा, 5 मिनट रुक जा। सुरेंद्र बेड़ा, सुरेंद्र बेड़ा, सुरेंद्र बेड़ा, नहीं नहीं नहीं, मनीष से पॉइंट मिला है।
कैच है, कैच है, कैच है। पहले पहले रेडर आउट हो लिया। कोच साहब खड़े हैं, चीफ कोच साहब विदानंद जी, कबड्डी कोच भिवानी, जो जायज है वो जायज है। अरे भाई बोरालवाई ने फिर कह दिया सेमी जीती तो आपको इनाम की घोषणा हो चुकी है, फाइनल जीती तो यहीं पर हो जाएगा सब कुछ आपका इनाम। लेकिन जीतने वाला जीते, बाहुबल से जीते, तकनीक से जीते, टेक्निक से जीते, अंकुश बबैल। हाँ, विसल का मतलब है डबल टच। अजय कोच बर्सी का इशारा में समझ सकता हूं। हमने तीनों ऑफिशियल वो लगाए हैं जो बिल्कुल मंजे हुए हैं। कबड्डी कोच विदानंद जी बहुत ही सीनियर मोस्ट चीफ रेफरी का कार्य करें, एम्पायर संजय कबड्डी कोच जी मनाना और अजय कोच जी बर्सी जिला भवानी। राकेश कुमार को अंकुर ने दबोच लिया है और कैच कर ली है। अमित फौजी की टीम वापसी का डंका बजा चुकी है कि हम भी आपसे जीत सकते हैं, इसी का नाम खेल है, इसी का नाम खेल है, जो हार को जीत में बदल दे और जीत को हार में बदल दे, उसी का काम खेल है। राकेश एंड बल्ला, राकेश एंड बल्ला, बल्ला बल्ला आंगे की गठड़ी, पॉइंट लेने में कामयाब हुई। टाइम आउट, ठीक है टाइम आउट लिया, एक एक टाइम आउट है दोनों टीमों के लिए। स्कोर बता दो एक बार, 8.5 मास्टर बहु, 7 अमित फौजी। चांद सिनवाल, हर साल की बात ही इस खेल कमेटी को 11,000 रुपए से मान सम्मानित करते हैं भाई। 11,000 रुपए चांद सिनवाल इस खेल कमेटी को देते हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करते हैं और बाबा परमहंसरियर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। हाँ जी, ये कह रहे हैं हमारे कोच पानी को उठा लो, खिलाड़ी पानी लगा रहे हैं, इसका मतलब उठा लो फिर पीने के लिए भी नहीं मिलेगा, फायदा क्या होगा। मैं एक बात का तो एक बंदे की ड्यूटी लगा दो वो पिला देगा, दो मैच रह रहे हैं मतलब डेढ़ मैच मानो, एक खुद खड़े हो जाओ और अपने हाथों से पिला दो दोनों साइड के प्लेयरों को। चलिए रेडर, 7 और 8.5 मास्टर बहु के पक्ष में 1.5 पॉइंट की लीड है, लेकिन मैच बहुत बड़ा और अभी काफी कुछ होना भी बाकी है। बिंदे बलारा वापसी कर चुका है और सोनू बड़े भाई से टच कर लिया है। सोनू फाइटर कैचर, फाइटर कैचर, फाइटर कैचर, फाइटर कैचर, खुले हाथ मत लगाइए, क्या बात है, जबरदस्त रेड लगाई बिंदे बलारा ने, 8.5 से बटके 9.5। आ गया सांडी, विसल का मतलब डबल टच, विसल का मतलब डबल टच, पॉइंट टू रेडर। चलिए रेडर, सुरेंद्र बेड़ा आ गया ताल ठोक के और मन ही मन में कह रहा है किसी में हिम्मत हो तो कैच मार के बताओ। अब हिम्मत किसमें है, चैलेंज क्या है, चैलेंज को स्वीकार कौन करेगा, चैलेंज को स्वीकार कौन करेगा, बन्नी करेगा, बन्नी करेगा, कैची कित मारी और खाली मारी, कैची मारी नाइड पे, इसे से प्लेयर हरियाणा प्रदेश में जो चीज तागड़ी तो नीचे मारी जा है वह तागड़ी तो ऊपर ठोके हैं, या हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी और प्लेयर अच्छी तकनीक के साथ खेलते हुए। राकेश बलारा की तो ट्राई फिलहाल नहीं थी, लेकिन विकास बलारा की ट्राई जरूर है, अंकुर के साथ ये टंगी लगाई, सुंडे की टंगी, बहुत अच्छी टंगी लगाई, जैसा सुंडा जखोली इस टंगी का यूज करता था, प्रयोग करता था, उस तकनीक से अंकुर बलारा ने टंगी लगाई और बेहतरीन कैच का मुजारा, बेहतरीन कैच का मुजारा। चला अंकुश बबैल वाला, अंकुश बबैल वाला जिला पानीपत का महायोद्धा, आज अमित फौजी बहु अकबरपुर की टीम का हिस्सा, पॉइंट भी लेकर के आसानी के साथ पहुंच चुका है।
स्कोर बताइए। साढ़े दस और ग्यारह ताली मार दो दर्शक वीरों। फिलहाल आधे पॉइंट से टीम आगे है अमित फौजी जो धनाना की साइड खेल रही है। और अब आधे पॉइंट से आगे हो गई है मास्टर बहू की टीम। साढ़े ग्यारह और ग्यारह, ग्यारह और साढ़े ग्यारह मैच देखा होगा पर ऐसा मैच भी बहुत कम देखा होगा। पिछला सेमी भी इसी प्रकार से लगा, बारह साढ़े ग्यारह तेरह चौदह, उसके बाद अहर की टीम ने अच्छा। मनीषा ये है सिल्लू का छोटा भाई, लेकिन फिलहाल है सफल। तकड़ा मैच, बहुत ही तकड़ा मैच। एक सुथरी कैच सफल कैच आपको फाइनल में पहुंचा सकती है और एक लूज कैच आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, इसलिए हर तकनीक को अपनाना होगा। और सानी ये है रेस की घोड़ी, बिल्कुल घोड़ी की तरह दौड़ता है ये खिलाड़ी। आ गया अंकुश बबैल वाला आपके बीच में, आपके मुख्य अतिथि विकास लाफ्रिया जी बाबा परमहंस हरिहर के पवित्र स्थल पर पहुंचने पर हमें उनका दिल की गहराइयों से बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विकास लाफ्रिया समाज सेवी, लेकिन यहां पॉइंट मिलेगा अपने अंकुश को। हाँ दूर जाइए, प्रवेश एंड प्रवेश एंड बिंदे दो युवा साथी आपस में टकराए, लेकिन बिंदे सफल रहा। आ गया सुरेंद्र बेड़ा बोरेन हुआ अलवाई की फिर अलाउसमेंट, मैच जीते तो सारे खिलाड़ी चैन जीते। अब चैन को जीतना है तो मैच को भी जीतना होगा, चैन को जीतना है तो मैच को भी जीतना होगा। ले भाई ऐसे खिलाड़ी मास्टर बहु ने पैदा किए हैं जो अपने जमाने में 30 30 32 32 रेड नॉन स्टॉप लगातार लगाते थे, ऐसी टीम को तैयार किया है। और एक उनका जो सबसे बड़ा योद्धा है अर्जुन, वो आज अहर की टीम का हिस्सा है। तकड़ा मैच, तकड़ा। सैंडी, सैंडी एंड प्रवेश, सैंडी एंड प्रवेश, सैंडी एंड प्रवेश, प्रवेश 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 बलारा सैंडी को कैच करने की कोशिश और कैच होगी। यह है निर्णायक मोड़, मैच का निर्णायक मोड़ चल रहा है। अब जो एक दो कैच लगा देगा मैच उसी साइड हमारा मानना है चला जाएगा, लेकिन उसके उल्टा हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा मानना है इस समय में जो दो एक दो कैच लगाएगा मैच उसी साइड करवट बैठ जाएगा। अंकुश बबैल, सुरजीत बबैल, एक गांव के दो रेडर, लेकिन दो की छूट में एक की छूट में खेलते रहते हैं, गांव की टीम नहीं बन पाती, इसलिए अपना प्रदर्शन हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाके करते हैं। अगर यहां कैच हो गई तो फिर अमित फौजी की तरफ मैच झुक जाएगा, नहीं तो मैच लगभग बराबरी पर चला हुआ, लगभग बराबरी पर चला हुआ है। साढ़े चौदह मास्टर बहू, सोलह अमित फौजी बहु अकबरपुर, डेढ़ पॉइंट की लीड है, डेढ़ पॉइंट की लीड है मात्र अमित फौजी के पास। साढ़े चौदह और सोलह, तकड़ा मैच, तकड़ा मैच, तकड़ा मैच, तकड़ा मैच। सुरेंद्र बेड़ा कोई आउट नहीं, कोई आउट नहीं, यहां कैच है। और सिल्लू के भाई मनीष ने कैच कर दिया, मारो ताड़ी। सिल्लू के छोटे भाई मनीष ने कैच किया सुरेंद्र बेड़ा को। भाई झगड़ा नहीं, प्यार से बात करो कोई भी, नहीं नहीं आपका रोजाना मैच होता है, जायज बात रखो ऑफिशियल के सामने, दोनों टीम कोई भी अपना एतराज कर सकता है, लेकिन बाकी दूर रहे भाई। रिव्यू ले लो भाई, कोई बात को नहीं, आप ऐसा सुनो, आप अपने पारे में चलो, पहली सुन कोच, एक मिनट,
एक मिनट हाँ फिर मिल जाएगा यार भाई, मिल गया, और आपके पाले में जाके ले लो, पहले सुन तो लो भाई, एक एक रू है आपको, रू मिल गया लेकिन दूसरे का पाले मना जाओ, दूसरे के पाले मना जाओ, आपकी रू की मांग वो मिल जाएगा आपको। कोचावे विदानंद जी आप देख के आओ, मैच करावा, बस आपको मिल गया, आपको मिल गया रू, सेट लगाओ। ये पॉइंट किससे, अनिल से, प्रधान जी का लड़का, इसको बता दिए अभी, ये पॉइंट किसी का, अनिल से, विनोद जी हाँ आप स्कोर ढंग से करवा लियो, मैच कराओ। ओ भाई रुक जाए एक मिनट, आपका पदम चले जाओ, और यहां पर जाओ भाई, कोई बात नहीं, सारा जो हिसाब सर है वही काम होगा, जो हिसाब सर है वही काम होगा। हाँ ये रू चेक किया जाएगा, फिलहाल 14.5 और 16 का स्कोर है वो चेक किया जाएगा, तब स्कोर लगेगा जिसका भी लगेगा। राकेश अपनी रेड पर है, प्रवेश बलारा को टच किया, उस पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो 15.5 और 16, यही बात है ना अनी से, उस पॉइंट को छोड़ दिया तो 15.5 और 16, ठीक, धन्यवाद। 16 अमित फौजी, 15.5 मास्टर बहु, पहलवान बहु कह सकते हैं, और उस पॉइंट का लेखा जोखा चेक होने के बाद लगेगा, 16 से बढ़के 17। जब तक उस पॉइंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी टीम को, जब तक मैच चलता रहेगा, उसके बाद मैच रोक लेंगे, जब उस पॉइंट से निर्णय होना होगा तब तक मैच चलाओ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पहले सेमीफाइनल मुकाबले से भी तकड़ा मैच लगा, अंकुर एंड बिंदे, आप बिंदे तकड़ा मैच खेल दिया, बिंदे ने बहुत तकड़ा मैच खेल दिया, 15.5 से बढ़के 16। अभी 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 कुछ नहीं कहा जा सकता, ए ए ए ए हाँ, पॉइंट रेडर के खाते में, पॉइंट रेडर के खाते में, आराम से जल्दी क्यों करे हो भाई, आराम से खेलो, रोजाना खेलते हो आप, जल्दी नहीं करनी है, पूरी 30 सेकंड मिलेंगी किसी भी रेडर को। परमजीत बलारा सांडी, सांडी एंड परमजीत, बड़ा भाई एंड छोटा भाई, सांडी एंड परमजीत, पॉइंट 2.2 सांडी, 0.2 मास्टर बहु, क्या मैच है, असली कबड्डी का महामुकाबला। अब रोक ला, ठीक है रोक लो जी, अब आवश्यकता पड़ गई है, अब एक बार स्कोर की जानकारी प्राप्त कर लेते, इतने रेस्ट करो दोनों साइड के खिलाड़ी, डिसीजन आवे तब तक रेस्ट करो, पानी पुनी पी लो, नहीं इनकी, अच्छा कह रहे हैं जी स्कोर एक रेड और लग सकती है, तब तक निर्णय आए, इस टीम की एक रेड और इतने लक्ष का है, एक रेड और लगा लो और फिर रोक लो, बाली सेट लगा, एक रेड आ रही है तब तक है जी। भाई सुनिए कोच साहब निर्णय देख के आ गए हैं विदानंद जी, बहुत बड़े सीनियर कोच है कबड्डी के, जो रेफरी का फैसला था ये कह रहे हैं सही पाया है, 18.5 है, युवा कैच जो थी उन्हें की पाई तो 18.5 है, यानी अब रेड है अमित फौजी की, ठीक है ठीक है, चलिए अमित फौजी की, बहुत बढ़िया मैच भाई, 18.5 बहुत तगड़ा मैच चला गया, मजा आ गया, दर्शक भाइयों ने बिल्कुल कबड्डी का मजा लिया, और लेना भी चाहिए, बहुत दूर दूर से चल के दर्शक भाई खेल मेले की शोभा बढ़ा, ये 18 और 1 19,
जिसका पॉइंट उसका मैच मारो ताड़ी, जिसका पॉइंट उसका मैच मारो ताड़ी, जिसका पॉइंट उसका मैच मारो ताड़ी। साढ़े अठारह से बट के साढ़े उन्नीस, उन्नीस और साढ़े उन्नीस का स्कोर हुआ है बेरन के को बुरा लुआई साढ़े